Hey, what's up guys, welcome to another video. मैं हूँ राजवीर और आप देख रहे हो मेरा चैनल ARV Brothers. तो आज हम बताएंगे टैपेट कितने किलोमीटर पर सेट करवाने चाहिए. टैपेट आपकी गाड़ी में कब सेट होने चाहिए, कब उसकी आवाज़ आने लगती है, कब हमें पता लगता है कि यार इस गाड़ी के टैपेट सेट करवाने पड़ेंगे, इसमें प्रॉब्लम आने लग गई है. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना. चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आगे वीडियो और मिलती रहेंगी. अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबा देना सब्सक्राइब के बाद. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो भाई वीडियो स्टार्ट कर दी है हमने और बता देता हूँ आपको, अगर आपके पास स्प्लेंडर गाड़ी है, फॉर एग्जांपल स्प्लेंडर गाड़ी है, आपने उसकी पहली सर्विस कराई है, आप गाड़ी शोरूम से नहीं निकलवा के लेके आए हो, न्यू, आप उसकी पहली सर्विस कराओगे, 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के बीच में उसकी सर्विस होती है पहली. उस पहली सर्विस पर उसके टैपेट सेट होते हैं. ठीक है, अगर आपकी गाड़ी की सर्विस जो मैकेनिक कर रहा है उसने आपकी गाड़ी के टैपेट नहीं सेट किए हैं तो उससे एक बार जिक्र करें, उसके टैपेट सेट करने हैं तो आप सेट कर दो फटाफट से, क्योंकि गाड़ी के टैपेट लूज होते हैं जब गाड़ी को हम शोरूम से नहीं खरीदते हैं. चाहे वो गाड़ी कोई सी भी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल कोई सी भी हो, कैसी भी हो, किस भी तरीके की हो, बस R15 वर्जन 3 R15 हैवी जो गाड़ियाँ होती है वो ना हो, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें तो ऑलरेडी लूज ही रहते हैं. नॉर्मल सीसी की गाड़ी में क्या होता है, उसके टैपेट जो हैं वो लूज रखते हैं ताकि गाड़ी की ओर रमा प्रॉपर तरीके से हो जाए, उसके इंजन पर लोड ना पड़े और गाड़ी का जो कंप्रेशन है वो वीक ना हो. इसीलिए कंपनी पहली सर्विस तक गाड़ी के टैपेट को लूज रखती है. ठीक है, तो पहली सर्विस आपने नोटिस भी किया होगा, जब भी गाड़ी का इंजन का काम होता है, फिट होता है इंजन या फिर उसको नहीं खरीदते हम, तो उस गाड़ी की पहली सर्विस के लिए इंजन ये टैपेट को लूज छोड़ देते हैं और पहली सर्विस 600 से 700 किलोमीटर में होती है. अब आप सोच रहे हो कि अगर मेरी गाड़ी 600-700 किलोमीटर ना चले 3-4 महीने में तो मैं क्या करूँगा. तो भाई कंपनी वाले, आपको शायद बता दूँ मैं, कंपनी वाले किलोमीटर के हिसाब से दे देते हैं और डे के हिसाब से भी देते हैं. डे के हिसाब से अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो अगर मैं किसी गाड़ी का इंजन फिट कर रहा हूं तो मैं उस कस्टमर को यही बोलता हूं कि अगर आप अपनी गाड़ी का आप इंजन फिट करा रहे हो तो आपको 15 से 20 दिन बाद मैक्सिमम एक मंथ के अंदर अंदर दोबारा आना पड़ेगा सर्विस कराने के लिए मेरे पास, क्योंकि मैं इसके टैपेट को सेट करूंगा. और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप गाड़ी एक महीने के अंदर अंदर 500 किलोमीटर चला लोगे, 600 किलोमीटर चला लोगे, तो आप मेरे पास बिना दिन को देखे मेरे पास किलोमीटर के अकॉर्डिंग आ सकते हो. ठीक है, अब यहाँ तो बात हो गई हमारी नई गाड़ी की सर्विस की, जो टैपेट की सेटिंग है उसकी. ठीक है, अब बात करते हैं हम, तुम्हारी गाड़ी नॉर्मली चल रही है और उसके अकॉर्डिंग तुमने सर्विस कराई है, बट तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी गाड़ी के टैपेट सेट करने हैं या नहीं करने हैं, तुम्हारी गाड़ी में छोटी छोटी प्रॉब्लम आने लग गई हैं और तुम्हें पता लग रहा है कि इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, बट ये नहीं पता लग रहा कि ये वाकई में टैपेट की प्रॉब्लम है नहीं है, तो उनको कैसे पहचानोगे. तो भाई मैं बता देता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारी ये रहेगी, अगर तुम्हारी गाड़ी के टैपेट टाइट हैं तो गाड़ी जब स्टार्ट करोगे आप, जब गाड़ी स्टार्ट करोगे, जैसे रेड लाइट वगैरह पे गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो और आपकी ट्यूनिंग भी आपने करा रखी है, तो भी गाड़ी जो है तुम्हारी बंद होगी, स्टार्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ये प्रॉब्लम तुम्हारी क्या आएगी गाड़ी में. स्टार्ट तो होगी पर गाड़ी बार बार मतलब रुक के जो होता ना, स्लो में सेट नहीं होगी, गाड़ी बंद हो जाएगी, उसका मतलब आपकी गाड़ी के टैपेट टाइट हो जाते हैं. दूसरा, आपकी गाड़ी में क्लच प्लेट वगैरह सब कुछ सही होगी, आपने डलवा ली होगी, उसके बाद भी गाड़ी 80 या 90 या 70 की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी. ठीक है, तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में, मैं सेल्फ मारता हूँ तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, बट किक मारने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो भी आपकी गाड़ी के टैपेट टाइट होते हैं. ठीक है, चौथा, अगर आपको लगता है कि मेरी गाड़ी दब के चल रही है, दब के जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा पिकअप बूस्ट होता है, वैसा नहीं है, दब के चल रही है, तो भी आपकी गाड़ी के टैपेट टाइट हो जाते हैं. ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि टाइट करने के बाद जब लूज करेंगे तो सेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं, और भी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है. अभी बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आपकी गाड़ी के टैपेट टाइट होने पर संकेत ये मिलते हैं, इनसे आप पता लगा सकते हो कि आपकी गाड़ी के टैपेट टाइट हो गए हैं. एक बार जरा नज़र मार लें, देखो अगर आप एक बार किसी मैकेनिक को दिखा दोगे तो उससे पता लग जाएगा उसे कि हाँ मेरी गाड़ी के टैपेट में प्रॉब्लम थी या मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम टैपेट है. अगर आप मैकेनिक होते तो फिर तो आपको बात ही समझ में आ जाएगी होगी कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सच है या क्या है. ठीक है, और हम बात करते हैं, अगर अब टैपेट लूज होते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी गाड़ी के टैपेट लूज हो गए हैं. ठीक है, आपकी गाड़ी को बढ़िया चल रही है तो भाई इसके संकेत क्या होंगे मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ. इसके अंदर ये होगा, आपकी गाड़ी स्लो में सेट होगी और आप गाड़ी की रेड लाइट पर खड़ी होगी,
आपकी गाड़ी होगी गर्म, आप लेके आए होगे कम से कम 40 से 50 की स्पीड में चला के बाहर दूर से, और 20-25 किलोमीटर चल गई होगी गाड़ी आपकी, तो उस टाइम में, उस सिचुएशंस में आपकी गाड़ी के टैपेट आवाज करेंगे, जैसे कि टिक 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 ऐसे करके, जैसे कि मैं दिखाता हूँ पेन, ये ज़्यादा तेज आ रही है, थोड़ी सी कम होती है, इस टाइप की आवाज़ आपकी गाड़ी में आएगी, ठीक है, टिक 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 इस तरीके की आवाज़ आएगी। अगर ये आपको आवाज़ महसूस हो रही है तो आपकी गाड़ी के टैपेट लूज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है गाड़ी ठंडी होने पर, अगर आपकी गाड़ी ठंडी है और आपकी गाड़ी में फिर भी आवाज़ आ रही है तो भी आपकी गाड़ी के टैपेट लूज हैं, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी ठंडी है, आवाज़ नहीं आ रही है, आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी गर्म हो गई, फिर आवाज़ आने लग गई, तो इसका मतलब गाड़ी के टैपेट टाइट हो गए हैं, ये संकेत होता है गाड़ी के टैपेट की आवाज़ का। अब उसके अलावा आपकी गाड़ी नॉर्मल मतलब जैसे चलती है, जैसे कि आपको लगता है कि कभी कभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो मेरी गाड़ी के कभी कभी टैपेट आवाज़ करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं, कभी अपने आप ही बंद हो जाते हैं, तो भाई उस टाइम में टैपेट की कोई आवाज़ नहीं होती। टैपेट की जो आवाज़ होती है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही रीज़न पर आती है, या तो गाड़ी ठंडी होने पर आवाज़ करे तो टैपेट की गाड़ी के जो है ज़्यादा लूज हैं, या तो गाड़ी ठंडी हो और गाड़ी स्टार्ट होने पर कोई आवाज़ ना आए इंजन में, पर गाड़ी जब रोड पर चलाओ आप थोड़ी गर्म हो जाए गाड़ी, तो गर्म होने के बाद टैपेट की आवाज़ आने लग जाए, तो अपनी गाड़ी में टैपेट की आवाज़ होती है, ठीक है। मतलब रेगुलर जरूरी नहीं रेगुलर है, देखो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ऑयल टेम्परेचर के टेम्पर दिखा होते ये होता है कि ऑयल की जो थिकनेस होती है बहुत मोटी होती है, बहुत लेयर मोटी होती है, जिस चक्कर में हमारी गाड़ी के टैपेट का जो गैप होता है वाल और टैपेट से रिलेटेड वो होता है हल्का सा कम, और उसमें जो मोटी चिकनी लेयर होती है वो जमी होती है, जिस चक्कर में हमारी गाड़ी के टैपेट आवाज़ नहीं कर पाते हैं। बट जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो क्या होता है, इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी जो इंजन की जो लेयर है वो पतली हो जाती है, चिकनाहट उसमें बनी रहती है पर उसकी लेयर पतली हो जाती है, पार्ट्स के ऊपर जो परत जम जाती है, जो लेयर जम जाती है वो पतली होने की वजह से टैपेट हमारी गाड़ी के आवाज़ करने लगते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी गाड़ी के टैपेट ऑलरेडी पहले से ही लूज होते हैं, पर ठंडी गाड़ी होने की वजह से आपको पता नहीं लग पाता है। आप कभी भी नोटिस करना कि आपकी गाड़ी गर्म है और आवाज़ ज़्यादा कर रही है, कटकट ठंडी है तो आवाज़ कम को कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। आपने शायद ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि गाड़ी जब ठंडी होती है तो बंद होती है बार बार, गर्म होने पर बंद नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है, तब गाड़ी के स्टार्ट जब हम करते हैं तो उसके जो रॉकर आर्म होते हैं वो हल्के से टाइट होते हैं, और जैसे ही गाड़ी गर्म हो जाती है तो रॉकर आर्म हल्के से लूज हो जाते हैं, जिस चक्कर में गाड़ी जो है गर्म होने पर सेट रहती है, एकदम बढ़िया रहती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये तो मैंने भाई आपको बता दी है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितनी भी बाइकें हैं, जितनी भी स्कूटियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, पहली सर्विस फ्री वाली एक बार मैकेनिक को जरूर चेक करें, जरूर उससे बोलें कि भाई इसके टैपेट पे एक बार नज़र मार लेना, कहीं ये लूज या टाइट तो नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी है मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, और नेक्स्ट वीडियो कैसी लाऊं आपको ये भी लिख के मुझे बताना। ये भी मैंने कमेंट पढ़ी थी, उसको देखा, उसके बाद ये मैंने वीडियो बनाई, ठीक है।